हाय गाइस, वेलकम टू द गवर्नमेंट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। सो गाइस, सबसे पहले आप हमें इन चैनल्स पे फॉलो कर लीजिए सो डैट आप अपडेट रहें, बिकॉज बहुत ही एंगेजिंग कंटेंट हम इन प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट भी रहेगा तो आप इन सभी माध्यम से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। सो आज हम चैप्टर 8 कंटिन्यू करेंगे। सो इसमें हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ फूड। सो जैसे कि आप सबको अब तक नॉलेज आ गई होगी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का मेजर जो रोल रहता है वो रहता है अपने एरिया में इंश्योर करना कि फूड जो मैन्युफैक्चर हो रहा है या फिर सेल हो रहा है, सो डैट इज़ इन कंप्लायंस विद द FSSAI एक्ट। सो यहाँ पे एक मेजर रोल ये भी है फूड सेफ्टी ऑफिसर का कि सैंपल को एनालिसिस के लिए भेजना लैब में। सो आज हम बात करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। सो आज हम बात करेंगे कि कैसे सैंपल पिक किए जाते हैं, कितने पार्ट्स में उनको डिवाइड किया जाता है, किसको सैंपल वो एनालिसिस के लिए भेजा जाता है, वो सारी हम डिटेल में आज बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज सेक्शन 47, सैंपलिंग एंड एनालिसिस। सो फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे यहाँ पे, व्हेन अ फूड सेफ्टी ऑफिसर टेक अ सैंपल ऑफ फूड फॉर एनालिसिस, ही शैल गिव अ नोटिस इन राइटिंग ऑफ हिज इंटेंशन टू हैव इट सो एनालाइज्ड टू द पर्सन फ्रॉम हुम ही हैज टेकन दिस सैंपल एंड टू पर्सन इफ एनी हुज नेम, एड्रेस एंड अदर पर्टिकुलर्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड। सो सबसे पहले फूड सेफ्टी ऑफिसर को कोई भी अगर वो एस्टेब्लिशमेंट में सैंपलिंग के लिए जाता है, इंस्पेक्शन के लिए जाता है, जब भी उसको सैंपल कलेक्ट करना है, सो सबसे पहले उसका जो ड्यूटी रहेगी वो रहेगा फॉर्म 5A। अगर आप देखोगे नीचे मैंने फैक्ट बताया है, फॉर्म 5A में उसको एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा उस FBO को, उस मैन्युफैक्चरर को, उस सेलर को, कि देखिए हम आपके ये सैंपल जो कि है पिक करने वाले हैं, इनकी एनालिसिस की जाएगी, अगर कोई डाउट होगा तो अकॉर्डिंगली पिनलाइज या फिर जो भी इम्प्रिजनमेंट की अगर यहाँ पे आशंका रहेगी तो वो आपके खिलाफ किया जाएगा, राइट। सो फॉर्म 5A याद रखिएगा। और ये अगर आप ए पार्ट देखोगे, गिव अ नोटिस इन राइटिंग टू हिज इंटेंशन, सो ये क्वेश्चन 2019 में एग्जाम में पूछा गया था कि फूड सेफ्टी ऑफिसर जब भी सैंपल कलेक्ट करेगा तो सबसे पहला जॉब उसका क्या है, सबसे पहला जॉब है एक नोटिस देना, नोटिस देने के बाद ही वो सैंपलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा। आई होप इट्स क्लियर। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बी पार्ट। सो नोटिस दे दिया फूड सेफ्टी ऑफिसर ने, सो सेकंड उसका फंक्शन रहेगा सैंपल को उठाना, मींस सैंपल को पिक करना। सो देन डिवाइड द सैंपल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड मार्क एंड सील और फासन अप ईच पार्ट इन सच अ मैनर एज इट्स नेचर परमिट्स एंड टेक द सिग्नेचर ऑफ द थंब इंप्रेशन ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम द सैंपल हैज बीन टेकन इन सच अ प्लेस एंड इन सच अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, सैंपल कैसे पिक करना है, मींस वो एक साइंटिफिक तरीका रहता है सैंपल को पिक करने का, वो डिसाइड करता है FSSAI, राइट। सो जितने भी FSSAI के साइंटिफिक पैनल्स हैं, साइंटिफिक कमिटी है, वो डिसाइड करेंगे कि सैंपल कलेक्शन कैसे की जाएगी, लेकिन उस सैंपल को सील कैसे करना, रैप कैसे करना, फूड एनालिसिस के लिए उसको एनालिस्ट के पास कैसे भेजना, कहाँ स्टैंप लगानी, कहाँ सील लगानी है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सो ये दो यहाँ पे आप क्लियर हो जाइए, FSSAI का रोल क्या है सैंपल कलेक्शन में और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है सैंपल गवर्नमेंट का। अगर आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल यही है कि उसको कैसे रैप करना, थंब इंप्रेशन कहां पे लेना, जिससे भी वो सैंपल लिया गया है से ये बहुत जरूरी है कि उस पर्सन के थंब इंप्रेशन या फिर सिग्नेचर लेना उस सैंपल को रैप करने के बाद। सो डोंट वरी, ये प्रॉपर प्रोसीजर कैसा रहेगा, मीन्स ये पूरा रैपिंग प्रोसीजर कैसे रहेगा, थंब इंप्रेशन कहाँ कहाँ लगेंगे, ये सब हम डिटेल में बात करने वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो ये हम एक्ट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे आप देखिए, सैंपल कलेक्ट करने के बाद सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन रहेगा, उस सैंपल को चार पार्ट में डिवाइड करना है। चार पार्ट में क्यों डिवाइड करना है वो हम अभी बात करने वाले हैं, राइट। सो प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पर्सन रिफ्यूजेज टू साइन और पुट हिज थंब इंप्रेशन, द FSO शैल कॉल अपॉन वन और मोर विटनेस एंड टेक हिज सिग्नेचर थंब इंप्रेशन इन लियू ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द थंब इंप्रेशन ऑफ सच पर्सन। और देखिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही FBO या फिर मैन्युफैक्चरर या फिर सेलर आपके साथ कोऑपरेट करेगा, राइट। सो जहां भी वो मना करता है कि नहीं, मैं अपने थंब इंप्रेशन या फिर अपना सिग्नेचर आपके ये जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है इसके ऊपर नहीं दूंगा, सो फूड सेफ्टी ऑफिसर को दो विटनेस बुलाने पड़ेंगे,
राइट, वो विटनेस कोई भी हो सकते हैं। सो उनको उस एफएसओ को वो फिटनेस बुला के उनके थंब इम्प्रेशन लिए जाएंगे कि यस कि मैंने ये सैंपल जो है इसी एस्टेब्लिशमेंट से लिया है। राइट, सो इट एक्ट्स एज अ प्रूफ। सो ये ध्यान रखिएगा जहां भी ये प्रोवाइडेड का क्लोज आता है। सो गाइज बहुत ही ध्यान से इसको रीड कीजिएगा बिकॉज एग्जाम में, प्री एग्जाम में डेफिनेटली प्रोवाइडेड वाले जरूर पूछे जाएंगे। राइट, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो हमने देखा अभी तक कि सैंपल कलेक्ट करने से पहले नोटिस दे दिया, फिर सैंपल्स को चार पार्ट में डिवाइड करके उसको सील कर दिया, सैंपल कर दिया। सो सी पार्ट सी, अगर आप सब सेक्शन देखोगे, सेंड वन पार्ट फॉर द एनालिसिस टू द फूड एनालिस्ट अंडर इंटीमेशन ऑफ द डीओ। यस, सो चार पार्ट वो क्यों उस सैंपल को डिवाइड किया, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। उन चार पार्ट में से एक पार्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर फूड एनालिस्ट को भेजेगा। राइट, और जो बाकी के बचे तीन पार्ट, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सो उन तीन पार्ट में से जो बाकी के दो पार्ट हैं वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को वो सेफली सबमिट कर देगा। एक पार्ट देखिए उसने एनालिसिस के लिए एनालिस्ट को भेज दिया, बाकी बचे हुए तीन पार्ट्स में से दो पार्ट डेजिग्नेटेड ऑफिसर को जो कि है सबमिट कर दिए। ये सबमिट क्यों किए, बिकॉज अगर देखिए ट्रांसपोर्टेशन के टाइम जैसे ही फूड सेफ्टी ऑफिसर ने अपना वो जो सैंपल कलेक्ट किया है वो एनालिसिस के लिए एनालिस्ट को भेजा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के टाइम वो सैंपल ब्रेक हो गया, डैमेज हो गया, या फिर सैंपल खराब हो गया, या फिर उसकी चोरी हो गई, या फिर कोई भी मिस हैपनिंग हो गई। राइट, सो बाकी के सैंपल हैं एनालिसिस करने के लिए। राइट, सो इसीलिए चार चार सैंपल पिक किए जाते हैं। सो दो सैंपल फूड सेफ्टी ऑफिसर सेफ कस्टडी, डीओ की सेफ कस्टडी में डिपॉजिट कर देता है। एंड थर्ड पार्ट अगर आप देखोगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सेंड द रिमेनिंग पार्ट फॉर द एनालिसिस टू द एक्रेडिटेड लैब इफ सो रिक्वेस्टेड बाय द एफबीओ अंडर द इंटीमेशन ऑफ डीओ। सो अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर कहता है कि मैं खुद से एक सैंपल, जो कि आपने चार सैंपल जो लिए हैं उनमें से एक सैंपल मुझे दीजिए, मैंने भी टेस्ट करवाना है, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर उस एफबीओ की रिक्वेस्ट पे ये जो चौथा पार्ट है ये एक एक्रेडिटेड लैब, प्राइवेट लैब में सेंड करेगा इसकी एनालिसिस के लिए। सो डैट ही also sure, FBO भी sure हो जाए कि ये जो रिपोर्ट है, जो एनालिस्ट की रिपोर्ट है, फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट है, और ये जो एक्रेडिटेड लैब की रिपोर्ट है, मींस दे आर मैचिंग, एंड जो भी डिसीजन रहेगा फिर उसके ऊपर फर्दर एक्शन लिया जाएगा। आई होप इट्स क्लियर चार पार्ट क्यों कलेक्ट किए जाते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्रोवाइडेड, सो यहां पे प्रोवाइडेड फिर आया है, ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइडेड डेट इफ द टेस्ट रिपोर्ट्स रिसीव्ड अंडर सब क्लॉज 1 and 3 आर फाउंड टू बी एट वेरियंस, द डीओ शैल सेंड वन पार्ट ऑफ द सैंपल केप्ट इन कस्टडी टू द रेफरल लेबोरेटरी फॉर एनालिसिस। यस गाइस, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में भी बताया था, हमने जब लेबोरेटरी की बात की थी, सो जो रेफरल लेबोरेटरी रहती है, रेफरल लेबोरेटरी गवर्नमेंट लेबोरेटरी रहती है। अगर आप देखिए, हम प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। सो एक पार्ट, अगर आप सी पार्ट का फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक पार्ट फूड एनालिस्ट को भेजा गया, सो इसकी भी रिपोर्ट आई। और थर्ड पार्ट अगर आप देखोगे तो डीओ एफबीओ ने कहा कि एक पार्ट वो खुद टेस्ट करवाना चाहता है लैब के, एक्रेडिटेड लैब से। यही पॉइंट यहाँ पे जो कि कवर किया जाता है, अगर इन दोनों रिपोर्ट्स में डिफरेंस आया, वेरिएंस आई, मींस एक रिपोर्ट में आया कि सैंपल में जो कि कंटेमिनेशन है, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में आया सैंपल में कंटेमिनेशन नहीं है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये रिपोर्ट कंसिस्टेंट नहीं है, देयर इज अ वेरिएंस, एक जो कि डिफरेंस है इन दोनों रिपोर्ट्स में। सो इन केसेस में एक जो बचा हुआ सैंपल है, जो डीओ के पास उन चार सैंपल में से एक जो सैंपल बचा हुआ है, वो सैंपल रेफरल लेबोरेटरी के पास भेजा जाएगा। सो इंडिया में फिलहाल दो ही रेफरल लेबोरेटरी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। एक तो है नेशनल फूड लेबोरेटरी, डेट इज गाजियाबाद में है, दूसरी है सेंट्रल फूड लेबोरेटरी कोलकाता में। सो एट प्रेजेंट दो ही रेफरल लेबोरेटरी हैं, ये एफएसएआई खुद इन लैब्स को कंट्रोल करता है, एफएसएआई के कंट्रोल के अंडर हैं, गवर्नमेंट लेबोरेटरी हैं दोनों। सो इन लैब्स के पास, रेफरल लेबोरेटरी के पास फाइनल सैंपल भेजा जाएगा। सो अगर उस सैंपल में कंटेमिनेशन आई या ना आई, जो भी रेफरल लेबोरेटरी उस रिपोर्ट देगी वो फाइनल रहेगी। राइट, सो रेफरल लेबोरेटरी का बहुत ही बड़ा महत्व है यहाँ पे, रेफरल लेबोरेटरी की डिसीजन फाइनल रहेगी। अगर पहले दो लेबोरेटरी के टेस्ट में वेरिएंस आता है वो निगलेक्ट कर दिया जाएगा, रेफरल लेबोरेटरी की रिपोर्ट को फाइनली यहाँ पे माना जाएगा। यहाँ पे अगर आप फैक्ट देखोगे तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था, नोटिफाइड लेबोरेटरीज मोस्टली प्राइवेट लेबोरेटरीज रहती हैं, रेफरल लेबोरेटरीज गवर्नमेंट लैब रहती हैं। एज आई टोल्ड यू, इंडिया में सिर्फ दो रेफरल लेबोरेटरी हैं, एक है रेफरेंस लैब्स। सो रेफरेंस लैब्स ये
सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं, राइट। सो इन सभी के फंक्शंस हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। सो गाइज आप प्लीज़ फॉलो कीजिए हमें, सो डैट आप सभी इनके फंक्शन जो है मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ अपने फर्दर सेक्शंस में। सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। व्हेन अ सैंपल ऑफ एन आर्टिकल ऑफ फूड और एडल्टरेंट इज टेकन द एफएसओ शैल बाय इमीडिएट सक्सीडिंग वर्किंग डेज सेंड द सैंपल टू द एनालिस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द कंसर्न्ड एनालिसिस एंड रिपोर्ट। सो फूड सेफ्टी ऑफिसर अपने पास ये जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं इनको ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकता, उसको इमीडिएटली वर्किंग डे नेक्स्ट दिन ही उसको वो सैंपल सेंड करना चाहिए। हालांकि ही शुड सेंड इट इमीडिएटली ऑन द सेम डे, बट अगर फॉर एग्जाम्पल इवनिंग में सैंपल कलेक्ट किया जाता है सो ही शुड सेंड इट बाय इमीडिएट सक्सीडिंग वर्किंग डे। सो अगले ही दिन उसको ये सैंपल फूड एनालिस्ट को एनालिसिस के लिए भेजने चाहिए। सो थर्ड पॉइंट, वेयर द पार्ट ऑफ द सैंपल सेंट टू द फूड एनालिसिस लॉस्ट और द डैमेज्ड एंड द डीओ शैल ऑन रिक्वायजिशन मेड बाय हिम बाय द फूड एनालिस्ट और द फूड सेफ्टी ऑफिसर डिस्पैच वन पार्ट ऑफ द सैंपल सेंट टू हिम टू द फूड एनालिस्ट फॉर एनालिसिस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, चार सैंपल कलेक्ट करने का महत्व यही है। अगर रास्ते में सैंपल डैमेज हो गया या फिर लॉस्ट हो गया या फिर कंटेमिनेट हो गया, सो जो बचा हुआ सैंपल है वो एनालिसिस के लिए भेजा जा सके ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ फूड एनालिस्ट, राइट। थर्ड पॉइंट में यही बताया गया है। सो नेक्स्ट पॉइंट, एन आर्टिकल ऑफ फूड और अडल्ट्रेंट सीज्ड अनलेस डिस्ट्रॉयड शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द डीओ एज सून एज पॉसिबल एंड इन एनी सच केस नॉट लेटर देन 7 days आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द फूड एनालिस्ट। सो अगर आप देखोगे, हमने बात की थी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के जो हमने फंक्शंस किए थे सेक्शन 38 में, सो उसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास पावर्स रहती हैं कि वो सैंपल को कलेक्ट कर सकता है या फिर सैंपल को सीज कर सकता है। सो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि एनी आर्टिकल ऑफ फूड और एल्ट्रेंट सीज्ड अनलेस डिस्ट्रॉयड शैल बी प्रोड्यूस्ड बाय द डीओ एज सून एज पॉसिबल। सो ये जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं ये डीओ के सामने डीओ को इमीडिएटली सबमिट करने पड़ेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर को, प्रोवाइडेड दैट इफ एन एप्लीकेशन इज मेड टू द डीओ इन दिस बिहाफ बाय द पर्सन फ्रॉम हिम एन आर्टिकल ऑफ फूड हैज बीन सीज्ड द डीओ शैल बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट द एफएसओ टू प्रोड्यूस सच आर्टिकल बिफोर हिम विद इन सच टाइम। सो यहां पे फूड सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर ये लायबिलिटी दी गई है, एक क्लॉज है फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए कि उसको ये सैंपल सीज किए हैं, अगर सैंपल कलेक्ट किए हैं तो डीओ के सामने सबमिट करवाने पड़ेंगे, वो अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता। सो यहां पे डीओ की पावर बताई गई है, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ द इम्पोर्टेड आर्टिकल ऑफ फूड द ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल टेक इट्स सैंपल एंड सेंड इट टू द एनालिस्ट ऑफ द नोटिफाइड लेबोरेटरी फॉर एनालिसिस हु शैल सेंड द रिपोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 5 days टू द ऑथराइज्ड ऑफिसर। सो गाइज अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, अगर आपने ध्यान दिया है, सो फूड एनालिस्ट का जो एनालिसिस के बाद अगर लोकली सैंपल पिक किए गए हैं तो उनकी रिपोर्ट 14 days के अंदर अंदर फूड एनालिस्ट को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। ये जो टेस्टिंग रिपोर्ट है ये डीओ को एनालिसिस रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, लेकिन इम्पोर्टेड आर्टिकल ऑफ फूड हैं, जो भी आर्टिकल इंडिया में इम्पोर्ट किया गया है उनकी भी चेकिंग की जाती है, उनकी भी एनालिसिस की जाती है। सो उसकी रिपोर्ट 5 days में फूड एनालिस्ट को देनी पड़ेगी। सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 5 days इन विद इन 5 days रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड बाय द फूड एनालिस्ट टू दी अथोराइज्ड ऑफिसर। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अथोराइज्ड ऑफिसर की बात हो रही है, इम्पोर्टेड आर्टिकल ऑफ फूड में अथोराइज्ड ऑफिसर का मेन रोल रहता है, तो 5 days के अंदर अंदर अथोराइज्ड ऑफिसर को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर लोकली हमारे इंडिया में नेशनली सैंपल पिक किया जाता है एनालिसिस के लिए, सो उसकी रिपोर्ट 14 days के अंदर अंदर डीओ को देनी पड़ेगी। सो यहाँ पे ये 2 differences है, ध्यान रखिएगा। 6th point, द डीओ फूड सेफ्टी ऑफिसर अथॉराइज्ड ऑफिसर एंड द फूड एनालिस्ट शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस। सो रेगुलेशंस फूड अथॉरिटी रेगुलेशंस टाइम टू टाइम लॉन्च करती रहती है कि कैसे सैंपल को पिक करना है, कैसे उसकी एनालिसिस करनी है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल रहेगा, डीओ का क्या रोल रहेगा, एनालिस्ट का क्या रोल रहेगा, क्या क्या प्रोसीजर एनालिसिस के लिए फॉलो करने चाहिए। सो ये हम जब रेगुलेशन का पार्ट हम कवर करेंगे उसमें हम ये सब डिटेल में करेंगे, राइट। सो गाइज ये था आज का लेक्चर, आई होप आपने इंजॉय किया होगा। सो डोंट वरी, ये जो है ये हम एक्ट कवर कर रहे हैं। सो एक्ट में जो कि मेन पॉइंट्स है, लेकिन ये जो पूरा प्रोसीजर है कहाँ कहाँ सील लगाना, कहाँ कैसे प्रोडक्ट को रैप करना, ये सब हम डिटेल में बात करेंगे कमिंग लेक्चर्स में। सो गाइज थैंक यू सो मच, आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। सो गाइज मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो पे, एंड प्लीज़ गाइज हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सभी जगह फॉलो कर लीजिए, बिकॉज हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंटेंट डालने वाले हैं विद इन कमिंग डेज। सो स्टे अपडेटेड, थैंक यू गाइज़।